केरल, बोलघाटी राजमहल। कोचीन के किनारे से दूर अरबी सागर में एक द्वीप पर यह महल सन 1744 में डच लोगों द्वारा बनाया गया। पहले डच और फिर अंग्रेजों ने इस महल का उपयोग गवर्नर के निवास स्थान के रूप में किया। आज केरल टूरिज्म आयोग ने इस महल का रूपांतर होटल में किया है। यहाँ का शामियाने वाला बगीचा आज एक पर्यटन आकर्षण है। पय्यम्बलम सागर तट। पय्यम्बलम सागर तट यहाँ के स्थानीय लोगों का मनपसंद पिकनिक का स्थान है। इसकी खूबसूरती को देखते हुए यह जगह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन सकती है। कन्नूर का बाकी प्रदेश भी देखने लायक है। सागर और बालू का यह शांत और एकांत इलाका आराम से शाम बिताने के लिए आदर्श है। थेयम और पारंपरिक लोक संगीत की जन्मभूमि रहे कन्नूर में एक कभी न मिटने वाला आकर्षण है। अगर इस सागर किनारे आप जाना चाहते हो तो आप 2 किलोमीटर दूरी पर कन्नूर शहर में रह सकते हो। यहाँ रहने के लिए आरामदायी सुविधा उपलब्ध है। ये सागर किनारा उत्तर केरल के कन्नूर जिले में कन्नूर शहर से केवल 2 किलोमीटर पर है। सेंट एंजेलो किला। सन 1663 में डचों ने इस किले को पुर्तगालियों से जीतकर कन्नूर के अली राजा को बेच दिया। सन 1790 में अंग्रेजों ने इस किले पर अपना कब्जा किया और इसकी मरम्मत करके इसे मलबार प्रदेश का महत्वपूर्ण लश्करी ठाणा बनाया। विशाल त्रिकोणकार लेटराइड पत्थर से बना खंडक और बुर्जों से युक्त सेंट एंजेलो किले को कन्नूर किला भी कहते हैं। इसका निर्माण पहले पुर्तगाली वॉइसरॉय डॉन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने सन 1505 में किया। आज सेंट एंजेलो किला भारतीय पुरातत्व विभाग की निगरानी में सुरक्षित है। इस किले से मोपिला खाड़ी और धर्माडोम द्वीप का सुंदर नजारा दिखता है। मुख्य भूमि से 100 मीटर दूर अरबी सागर में स्थित धर्माडोम द्वीप का क्षेत्र केवल 5 एकड़ का है। मोपिला खाड़ी नैसर्गिक मछली पकड़ने की जगह है। किले की दीवार सागर और अंदर के पानी को अलग करती है। इंडो नॉर्वेजियन संधि के तहत आज ये खाड़ी एक आधुनिक मछुआरों का बंदरगाह बन चुका है। ये किला उत्तर केरल में कन्नूर शहर से पश्चिम में 3 किलोमीटर दूर है।